आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर एक बहुत अच्छी बुक के बारे में, और ये बुक है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स बाय वी राजा रमन। तो आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपके लिए ये कितनी हेल्पफुल है, आई विल रीड आउट द कॉन्टेंट्स ऑफ द बुक। तो ये पूरी बुक को 9 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें पहला चैप्टर है कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स, जिसमें बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ द एल्गोरिथम दे रखे हैं। एंड चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर अरिथमेटिक, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स, सम पिटफॉल्स इन कंप्यूटिंग, एरर्स इन नंबर्स एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड कॉन्क्लूजन्स। चैप्टर नंबर 3 है इटरेटिव मेथड्स। इस चैप्टर के अंडर में आप पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ इटरेटिव मेथड, मेथड ऑफ सक्सेसिव बाइसेक्शन, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन व्हिच इज आल्सो नोन एज रेगुलर फॉल्सी मेथड, एंड न्यूटन रेफसन इटरेटिव मेथड, सीकेंट मेथड, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस, कंपेरिजन ऑफ इटरेटिव मेथड्स, solution of polynomial equations and solution of the simultaneous non-linear equations. Now the chapter number 4 is solution of the simultaneous algebraic equations, aur is chapter ke andar mein aap padhenge the Gaussian elimination method, pivoting ill-conditioned equations, refinement of the solution obtained by Gaussian elimination, Gauss-Seidel iterative method, an algorithm to implement the Gauss-Seidel method, and a comparison of the direct and iterative methods. Chapter number 5 is interpolation, or is chapter ke under mein you will study the Lagrange interpolation, difference tables, truncation error in interpolation, and spline interpolation. Chapter number 6 is the least square approximation of functions, and under this chapter you will study the linear regression, algorithm for linear regression, polynomial regression, fitting exponential and trigonometric functions. चैप्टर नंबर 7 इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फंक्शंस, और इस चैप्टर के अंडर में आप पढ़ेंगे टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एंड शेबीशेव सीरीज। चैप्टर नंबर 9 इज ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और इस चैप्टर के अंडर में वन मे स्टडी फॉर्मूले फॉर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सिम्पसन रूल, Errors in integration formulae, algorithm for integration of tabulated function, algorithms for integrating an unknown function, Gaussian quadrature formulae, comparison of integration formulae. And the last chapter is numerical solution of differential equations, or is chapter ke under mein aap padhenge Euler's methods, Taylor series method, RK method, fourth order formula, predictor correction method, higher order differential equations, and finally comparison of predictor corrector and RK methods. तो ये थे सारे टॉपिक्स इस बुक जो ये बुक कवर करती है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छी बुक है ऑन कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मैथड। और जैसे कि मैं अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो इसमें चैप्टर नंबर 3 से लेकर और चैप्टर नंबर 9 तक ज़्यादातर टॉपिक्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इंक्लूड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ मैथमेटिक्स के सिलेबस में इंक्लूड हैं इन मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ सिलेबी। तो ये एक बहुत शानदार बुक है अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने किसी और रिव्यू के साथ हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।
और एक छोटी सी बात, फ्रेंकली आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और इतना वेल टू डू नहीं हूँ कि मेरे पास एक साउंड प्रूफ रूम हो वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं एक नॉर्मल सा, एक मामूली सा इंसान हूँ, एक टीचर हूँ, और अपने ज़रिए जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स की, उतनी हेल्प करना चाहता हूँ। और इस नज़रिए से ही मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर कि शायद मेरी इन वीडियो से किसी को कुछ फ़ायदा नसीब हो जाए। बहरहाल मेरा घर एक बहुत बिजी रोड के किनारे है और मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं एक साउंड प्रूफ रूम बना सकूँ इन वीडियो को क्रिएट करने के लिए। तो भाई ये बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आता है ट्रैफिक का, इसको प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा। और बस यही कहना था मुझे, क्योंकि मुझे जनरली बहुत लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं कि YouTube पर इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि वीडियो के अंदर नॉइज़ ना हो, बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, और साउंड प्रूफ रूम में वो रिकॉर्ड हो। तो बहरहाल ज़ाहिर है कि मैं ये सब कुछ करने के मूड में नहीं हूँ और ना मेरा मौका है, इतने रिसोर्स मेरे पास नहीं है। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरी वीडियोस को देखा करें तो प्लीज़ इसको, इस बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। खुदा हाफिज़।